जी हाँ, जैसे कि आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 का करार अक्टूबर 2018 में हुआ था और ये सौदा करीबन 543 अमेरिकी डॉलर यानी कि करीबन 40,000 करोड़ रुपए का है। इस सौदे पर भारत की ही नहीं बल्कि भारत के दुश्मनों की भी नजर टिकी हुई है। अभी भारतीय सेना में S-400 शामिल नहीं हुआ है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की बेचैनी इससे काफी बढ़ गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इससे भारत का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि चीन के पास भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि उसने रूस से लिया हुआ है, लेकिन वो उतना ज्यादा उन्नत नहीं है जितना कि भारत का है, क्योंकि भारतीय सेना ने अपने हिसाब से अपने S-400 को इंटीग्रेटेड करवाया है और यही S-400 जो रूसी सेना का रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, अब वो भारत की सेना में शामिल होगा। इसकी खूबी ये है कि ये एक बारी में दुश्मन पर एक साथ 36 प्रहार कर सकता है। इसके मिसाइल सिस्टम में 12 लॉन्चर्स है। यह दुश्मनों की मिसाइलों पर रक्षा कवच है। ये चीन और पाकिस्तान की 36 न्यूक्लियर मिसाइल एक साथ संभाल सकता है। 400 किलोमीटर की दूरी से आ रहे मिसाइल को निशाने पर जाने से पहले ही ध्वस्त कर देगा। आपको बता दें कि यह अमेरिका का सबसे एडवांस F-35 को गिराने में भी सक्षम है। S-400 एक साथ 100 से लेकर 300 लक्ष्यों को चिन्हित कर सकता है। दुश्मन की किसी भी हमले को यह 600 किलोमीटर दूरी पर ट्रेस करके उस पर हमला करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, वह दुश्मन के इरादे को भांप कर 400 किलोमीटर पहले ही प्रहार करके नष्ट करने में सक्षम होगा। ये दुश्मन के इलाके में एक समय में 3 अलग अलग मिसाइलें दागने में सक्षम होगा। एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह रडार की पहुंच से बाहर है, दुश्मन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। 600 किलोमीटर दूर तक वह रडार की पहुंच में नहीं आएगा। इसके साथ ही यह आसमान और जमीन दोनों जगहों से प्रहार करने में सक्षम है, यानी कि भारत को S-400 की अब जो अटकलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं और भारत ने रूस के साथ जो समझौता किया है 40,000 करोड़ रुपए का, उसमें इसको इंस्टॉलमेंट में लेने की बात कही गई है, यानी कि भारत एक साथ 40,000 करोड़ रुपए रूस को नहीं देगा बल्कि जो पेमेंट होगी वो इंस्टॉलमेंट में होगी। लेकिन दोस्तों, भारत ने रक्षा के साथ अपना कोई समझौता नहीं किया है। जी हाँ, इसके 5 स्क्वाड्रंस भारत के पास आने वाले हैं, जिससे भारत की सैन्य क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा और भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप जरूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।